किसके ऊपर वीडियो बनाना है? मनोज के ऊपर। ए यार हटाओ, मुझे वीडियो नहीं बनाना है यार, क्लिकबेट का किंग है यार, हटाओ वीडियो, क्या बंद करो कैमरा यार, मुझे नहीं वीडियो शूट करना, हटाओ। सो हे गाइज, कैसे हो सभी? आई होप सब मस्त होंगे। सो गाइज, आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा। अभी आप लोग देख सकते हो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन हो चुका है। सिंपली से मैं जाता हूं अपने यूट्यूब में। आप लोग को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि मनोज दे का यूट्यूब चैनल नंबर वन यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी आपको यूट्यूब पर वीडियो दिखाई देते हैं ना, नंबर वन यूट्यूब चैनल है, ठीक है। बट आपको मैं इनका एक काला सच्चाई बताने वाला हूं, ठीक है। ये मैं बता नहीं सकता, मैं वीडियो भी बनाने वाला नहीं था, बट मैं अब क्या करूं यार, मैं खुद परेशान हो चुका हूं, ठीक है। हमारे ऑडियंस बोल रहे हैं, मेरे पास कॉल करके बोल रहे हैं कि भाई देखिए मनोज दी ने कैसा वीडियो बनाकर डाला है, ये क्या वो क्या। मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा सबर कीजिए। अभी आप लोग देख सकते हैं मनोज दी का मैं यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया हूं। अभी आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा इनका वीडियो देखता नहीं हूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारा आइडिया है, ठीक है, उससे मैं देख लेता हूं। बट इनका मैं कोई बुराई नहीं बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। जो सच्चाई है वही करूंगा, इनसे कोई पर्सनली हेट नहीं है। आप लोग ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारे गुरु हैं, इनसे ही मैं बहुत कुछ सीखा हूं एंड बहुत कुछ आगे भी सीखने को मिलेगा। बट इन्होंने ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है यार, व्यूज के चक्कर में, ओनली व्यूज के चक्कर में। भाई इतना व्यूज तो आ ही रहा है, अब कितना व्यू चाहिए? जो रियलिटी में जो रियल दिखाओगे ना, अगर आप क्लिकबेट नहीं करोगे ना तभी भी आपका व्यूज आएगा, और रियल कंटेंट बनाओगे ना तभी भी आपका व्यूज आएगा। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, एंड यहीं पर इन्होंने वीडियो अपलोड किया है हाउ टू रिमूव काइन मास्टर वाटरमार्क फ्री। अभी आप देख सकते हैं इनका मैं एक वीडियो ओपन करता हूं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं शुरू में क्या बोलते हैं, देखिए। फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस को फोन से एडिट करते हो। मैक्सिमम ऐसे मेरे ऑडियंस है जो कि फोन से ही वीडियोस को एडिट करते हैं। yes. और आप में से बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो है काइनमास्टर एप्लीकेशन से अपने वीडियोस को एडिट करते हो, क्योंकि काइनमास्टर जो एप्लीकेशन है ना, वीडियो एडिटिंग जो एप्लीकेशन है, ये काफी ज्यादा फेमस एंड पॉपुलर है, हर एक कोई इसको यूज करता है। बट दोस्तों, इसमें जो है ऊपर में एक वाटरमार्क आता है, अगर उस वाटरमार्क को हम लोग नहीं हटाते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, आज अभी तक इन्होंने क्या बताया कि काइन मास्टर का हम वाटरमार्क हटाने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में मतलब थंबनेल से लेकर टाइटल से लेकर अपना टेक्स्ट तक यही डाला है कि आप काइन मास्टर का वाटरमार्क कैसे रिमूव कर सकते हो, इसके बारे में ये वीडियो है। अगर आप लोग अपना काइन मास्टर का वाटरमार्क हटाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता, प्रोफेशनल नहीं लगता, तो उस वाले वाटरमार्क को हटाना है अगर, तो आपको काइन मास्टर का जो प्रीमियम है उसको परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। जो कि काइन मास्टर का प्रीमियम का जो परचेजिंग जो अभी प्राइस है वो जानते हैं बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, एक साल का 1200 रुपया। अगर आप 1200 रुपया दोगे तो उसका जो है आप वाटरमार्क हटा सकते हो। तो भाई आप देख सकते हो अभी तक भी इन्होंने काइन मास्टर के बारे में ही जिक्र कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो से कुछ सिखाना भी चाहता हूं बट इनको भी कुछ बताना चाहता हूं, ठीक। मैं अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करता हूं। अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। इन्होंने थंबनेल में क्या लिखा कि काइन मास्टर का वाटर मार्क कैसे रिमूव करे, ठीक है। थंबनेल में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बस लिख दिए कि काइन मास्टर का वाटर मार्क कैसे रिमूव करे, ठीक है। अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो अगर आप चाहते हो कि काइन मास्टर वाटरमार्क रिमूव कैसे करें तो आप इस वीडियो पर जरूर क्लिक करोगे। अगर आप नहीं भी क्लिक करना चाहते हो ना, तो आप लोगों का पता होगा कि जो YouTube से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनमें से नंबर वन YouTube चैनल है मनोज दी का, तो आप लोग जल्दी से क्लिक करोगे। आप लोग सोचोगे कि भाई ये तो भाई कोई फेक तो बता नहीं सकते हैं, इन्होंने वीडियो बना दिया तो सही है, तो सही है। भाई अगर आप वीडियो का एंड तक देखोगे ना, तो उसमें बस बीच में ऐसा बात बोल दिया जाएगा कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। मेरा खुद दिमाग खराब हो गया यार। भाई भीयन से वीडियो एडिटिंग के बारे में समझा रहे हैं, अब बताइए भाई काइन मास्टर के बारे में आपने जिक्र किया, थंबनेल से लेकर टाइटल से लेकर डिस्क्रिप्शन से लेकर टेक्स्ट तक आपने काइन मास्टर को यूज किया, उसके बाद वीडियो में आप भीयन घुसा दे रहे हैं यार। भाई ये बात सही नहीं है यार, मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा खराब बात लगी यार, मुझे अच्छी नहीं लगी ये आपकी वीडियो, कसम से। अगर आपको भीयन के बारे में बताना ही चाहिए था ना, तो आप लिख देते कि मैं वीडियो कैसे एडिट करता है, इससे तो ज्यादा ही व्यूज आ जाता यार। अगर आप ये वीडियो बनाते हैं कि हाउ आई एडिट माय वीडियो, तो आपका व्यूज इससे भी ज्यादा आता। भीयन के बारे में बता देते कि उससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ, भाई कसम से बोल रहा हूँ कि जितना व्यूज आपका आया है ना, उससे कई गुना व्यूज आता है उसमें, ठीक है। बट आपने गलती किया है एंड गलती का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको कभी ना कभी ये वीडियो रिमूव हो जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये वीडियो कभी ना कभी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज आपका बड़ा चैनल है एंड आपके चैनल पर ज़्यादा ऑडियंस है, ज़्यादा लोग उस वीडियो को देख रहे हैं।
अगर YouTube के नजर में आ गया ना तो वीडियो रिमूव हो जाएगा। YouTube अंदर जाकर नहीं देखता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट पर ज्यादा ध्यान देता है, कीवर्ड पर ज्यादा ध्यान देता है, वीडियो में आप क्या कर रहे हो ज्यादातर उस पे ज्यादा जल्दी ध्यान नहीं देता है। बट आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा गाइस कि आप लोग भी क्लिकबेट कीजिए, मैं भी करता हूँ यार, क्या झूठ बोलूं यार, मैं भी क्लिकबेट करता हूँ, बट इतना ज्यादा नहीं करता हूँ यार कि कुछ और के बारे में थंबनेल लगाऊं, कुछ और लाकर वीडियो में दे दूं, इस तरह ऑडियंस का भरोसा टूटता है यार। तो भाई आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार प्लीज इस तरह का गलती मत कीजिए, इस तरह का ज्यादा क्लिकबेट मत कीजिए, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट आपके जितने भी ऑडियंस है आपसे भरोसा जरूर उठ जाएगा उन लोगों का, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग क्लिकबेट कीजिए बट हद तक, ठीक है, हद से ज्यादा नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।